एले फोन एस सेट का पूरा रिव्यू जानने के लिए दोस्तों ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नीशियन राहुल चैनल को और साथ ही में इस बेल के आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मिलती है फ्रेश वीडियो और फ्रेश टॉपिक पे। ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नीशियन। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले एलीफोन एस एट के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो इंटरेस्टिंग अपलोड करता हूँ गेम से रिलेटेड और मोबाइल से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ट्रेंडिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें सब कुछ सही है, पर एक चीज आपको रेड मार्क दिख रहा होगा, वो है मेमोरी कार्ड नॉट सपोर्टेड। इसमें मेमोरी कार्ड नहीं सपोर्टेड है। बाकी बात करें ट्रेंडिंग स्पेसिफिकेशंस की तो ड्यूल सिम वोल्ट 3G 4G 2.5 GHz प्रोसेसर डेका कोर इसमें मिलता है, 7 कोर से भी ज़्यादा मिलता है, आप इसमें 7 कोर चला सकते हैं आराम से। 4GB रैम इसमें मिलती है विथ 64GB इनबिल्ट स्टोरेज, 4000mAh की इसमें बैटरी मिलती है। और ये सब कुछ चलने वाला है आपका 7.1.1 नोगट के ऊपर। और कैमरा की बात करें तो 21 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। दोस्तों सिर्फ ये अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, तो जाइए आप ले सकते हैं वहाँ से। स्पेसिफिकेशन स्कोर की बात करें तो 78 इसको मिलता है। और ग्रुप रैंक की बात करें तो इसके ग्रुप रैंक आता है 34 आउट ऑफ 136 फोन। ओवरऑल रैंक की बात करें पूरे जितने अभी भी फोन लॉन्च हुए हैं 3289 फोन्स के अंदर ये 181 नंबर पे है। एडवांटेज की बात करें ड्यूल सिम इसमें मिलता है, स्लिम मिलता है, रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन मिलता है, क्विक बिग स्क्रीन 6 इंच की मिलती है इसमें, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन मिलती है 2560 मल्टीप्लायर 1440 पिक्सल्स के साथ, शार्प स्क्रीन मिलती है 490 PPI के साथ, हाई रेजोल्यूशन कैमरा 21 मेगापिक्सल सपोर्ट, HD वीडियो रिकॉर्डिंग 720p और है फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, लॉट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, डेका कोर CPU फास्ट CPU 2.5 GHz का, लॉट्स ऑफ रैम 4GB सपोर्ट 3G 4G वोल्ट सपोर्ट, वाईफाई हॉटस्पॉट सपोर्ट, ब्लूटूथ हैज ए फिंगरप्रिंट सेंसर सपोर्ट, GPS एक्सेलेरेटर मीटर सेंसर भी है इसमें, और आपको इसमें ये भी मिल जाता हैज ए जायरोस्कोप सेंसर। डिसएडवांटेज की बात करें नो मेमोरी कार्ड सपोर्ट, डजंट हैव FM रेडियो, डजंट हैव कंपास और कांट आउटपुट टू TV, और एक 180 ग्राम है इसका जो हैवी वेट माना जा रहा है। दोस्तों ये था पूरा रिव्यू, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। और इसका अगर प्राइस की बात करें 25,000 है, इसमें कोई ये नहीं है 24,999 या 25,999, इसके लिए आपको पूरे पे करने पड़ेंगे 25,000 दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए इस फोन के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ विजिट अगेन ऑन माई चैनल।